वेलकम टू लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स क्या हैं? दो मेथड्स हैं, बेसिक मेथड, एक को कहते हैं रोस्टर मेथड और दूसरी को कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। अब ये रोस्टर मेथड क्या है, जो कि सिंपली और ज्यादा यूज हो रहा होता है, यूज अ नोटेशन वेयर ऑल द मेंबर ऑफ सेट आर लिस्टेड बिटवीन द ब्रेसिस, या कई दफा इसको कर्ली ब्रैकेट्स भी बोल दिया जाता है। ये रोस्टर मेथड है, जिसने लिखा वी, हमने कहा सेट ऑफ वॉवल्स, हमने कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर दिया सेट ऑफ वॉवल्स कैपिटल वी से, आगे वही इक्वल टू का साइन डाल के उसके साथ हमने ये कर्ली ब्रैकेट्स डाल दी, ब्रेसेस डाल दी, अंदर लिख दिया ए ई आई ओ यू के ये वॉवल्स हैं। अगर इस तरह से रिप्रेजेंट हो, इसको कहते हैं रोस्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रोस्टर रिप्रेजेंटेशन नीचे यहां पर जिस तरह लिखा है, ऑल दो सेट आर यूजली यूज ग्रुप टूगेदर एलिमेंट विद कॉमन प्रॉपर्टीज, देर इज नथिंग डेट प्रिवेंट सेट फ्रॉम हैविंग सीमिंगली अनरिलेटेड एलिमेंट्स। इससे क्या मुराद, अब वो कह रहे हैं कि लाजमी नहीं है कि कॉमन प्रॉपर्टीज हो। मसलन मैं कहता हूं मेरे पास कोई सेट है ए, ठीक है, अब मैं इस सेट ए में मैं कहता हूं इस सेट ए के एलिमेंट हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं सेट ए का एलिमेंट है बी, यहां पे मैं लिख देता हूं सेट का एलिमेंट है टू, यहां पे मैं कोई नाम भी लिख देता हूं, मसलन लिख देता हूं अली, यहां पे मैं लिख देता हूं फैसलाबाद, एफ एस डी कर देते हैं इसको, कोई सिटी नेम आ गया जी, फैसलाबाद सिटी नेम है। तो आप अब ये देखें, ये जो इसके एलिमेंट्स हैं, अब ये एक प्रॉपर्टी तो नहीं रखते, ये अल्फाबेट्स हैं, ये न्यूमेरिक हैं, ये कोई हमने नेम लिख रहे हैं, ये हम कोई सिटी का नेम लिख रहे हैं। तो इस तरह से भी कहा कि सेट बन सकते हैं, लाजमी नहीं वो एक तरह के एलिमेंट हो। कि एग्जांपल में जिस तरह मैंने कहा वॉवल है, तो बस सिर्फ सेट वॉवल का ही बनेगा और किसी का नहीं बनेगा। अगर न्यूमेरिक नंबर है तो उसके साथ कोई जो है वो अल्फाबेटिक नंबर नहीं आ सकता या कोई अल्फाबेट नहीं आ सकता, तो इस तरह से नहीं है, तो किसी भी सीक्वेंस से हो सकते हैं, लाजमी भी नहीं है कि उनकी प्रॉपर्टी सेम हो। जिस तरह आप देखें यहां पे भी एक एग्जाम्पल है, मैं इसको जरा रेज करता हूं ताकि आप ये एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल के थ्रू भी यही चीज हमें बताई जा रही है कि अगर आप ये सेट देखें, जिस तरह लिखा फॉर इंस्टेंस ए टू फ्रेड न्यू जर्सी, अब देखें ये जो कंटेन एलिमेंट्स हैं इसके, वो अल्फाबेट भी आ रहा है, न्यूमेरिक भी आ रहा है, ये कोई शायद नेम भी आ रहा है, कोई सिटी कंट्री नेम भी आ रहा है, तो ये सारे एक प्रॉपर्टी तो नहीं रखते हैं, इसलिए वो कंबाइन करके भी सेट बनाया जा सकता है, इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। नंबर टू मेथड है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है, करेक्टराइज ऑल दोज एलिमेंट इन सेट बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी दे मस्ट हैव टू बी मेंबर। कि हम मेंबर नहीं लिखते, उन मेंबर्स की प्रॉपर्टी लिख देते हैं। जिस तरह यहां पे था, अगर मैं लिख दूं सेट ऑफ, आगे ब्रैकेट डालूं, अंदर लिख दूं सेट ऑफ ऑल वॉवल्स, बस सिर्फ इंग्लिश में स्टेटमेंट लिख दूं, जैसे यहां पे एक मैं एग्जांपल देता हूं, ये देखें लिखा हुआ है ना सेट ओ ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 कैन बी रिटन एज, हमने कैसे लिख दिया, फॉर ऑल एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, ये भी सेट की फॉर्म में लिख दिया। अगर मैं कहूं इस सेट की आप मुझे रोस्टर फॉर्म बना के दिखाएं, तो रोस्टर फॉर्म में आप क्या लिखेंगे, आप लिख देंगे ओ इक्वल टू, अब हमने इसके एलिमेंट क्या लिखने हैं, लिखने ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या 1 होगा, 3 हो जाएगा उसमें, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 9, क्योंकि लेस देन 10 है, तो इस तरह से हम लिख देंगे, ये इसके एलिमेंट हो जाएंगे। ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म है और ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है, कि हमने कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दिया कि एक्स कोई सेट का जितने भी एलिमेंट है, फॉर द एलिमेंट ऑफ एक्स सच डेट, वो सारे एलिमेंट क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर होंगे, जो कि जिनकी वैल्यू 10 से कम होगी। इसके बाद कुछ सेट्स की एग्जाम्पल आ जाती है, स्टैंडर्ड सेट। स्टैंडर्ड सेट जिस तरह देखें, नेचुरल नंबर को एन से कहते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है आगे नेचुरल नंबर, आगे 0, 1, 2, 3 सारे नंबर। इंटीजर्स के लिए जेड का सिंबल यूज किया जाता है, इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, इसलिए बताया गया -1, -2 और पॉजिटिव। इसी तरह पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हो तो खाली जेड है, इसका मतलब इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ये देखें जेड के ऊपर प्लस का साइन है, इसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर आएंगे। इसी तरह रियल नंबर, रियल नंबर में आपको पता है रैशनल इरेशनल सारे नंबर आ जाते हैं, यानी रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो एक स्केल के ऊपर डिफाइन किए जा सके। इस तरह स्केल है ना, मैं यहां पे कहता हूं अगर ये 0 है, इधर मैं कहता हूं 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, और इसी तरह से मैं यहां पे कहता हूं -1 है, -2 है, और मैं आपसे पूछ लेता हूं कि √2, क्या √2 एक हमारे पास रियल नंबर है, आप कहेंगे हाँ जी ये बिल्कुल रियल नंबर हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि इसको √2 लेंगे वो कुछ आएगा 1.41, कुछ इस तरह का आंसर आएगा। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं ना, 1.1 ये है, 1.2 ये है, यानी इसके दरमियान 1.4 कहीं इधर करके आएगा हमारे पास 1.4,
जिनको आप स्केल पे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वो सारे हमारे पास रियल नंबर कहलाते हैं। इसी तरह रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मसलन मैं कहता हूं 22/7, ठीक है, इस फॉर्म में जिनका हम आंसर लेके आ सकते हैं, वो सारे हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, जिनकी रिप्रेजेंटेशन, ऐसे नंबर जिनकी रिप्रेजेंटेशन रैशनल फॉर्म के अंदर हो सके, वो हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो उसको हम यूजुअली क्यू के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं।